रेवाड़ी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव रेवाड़ी रोहतक हाईवे किनारे स्थित कुएं से बरामद किया गया। मृतक की दो दिन पहले ही शादी हुई थी। वहीं पुलिस जांच कर रही है कि युवक की हत्या की गई है या फिर उसने आत्महत्या की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल युवक की मौत के बाद परिवार सदमे में है और मौत के पीछे क्या वजह रही है ये पुलिस जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगा। क्या लग रहा है प्राथमिक अभी सूचना मिली थी कि यहाँ NH-71 के साथ लगते हुए एक कुआ है, उसमें एक डेड बॉडी है। तो मौके पर पहुंचकर SHO निकलवाया, फोरेंसिक टीम ने भी साइट इंस्पेक्शन की है यहाँ पे, और अभी इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद में जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई हम करेंगे। ये जी परसों जी इनकी शादी हुई थी जी, तो ये कल सुबह अपनी बड़ी वाली सिस्टर को इंछापुरी छोड़ने के लिए गया था। इंछापुरी गाँव पड़ता है जी ये पटौदी के पास। वहाँ से ये 6 बजे के आसपास चला है शाम को, और 6 बजे के आसपास चला है तो एक प्रोग्राम और था जी मुंडलिया गांव में। वो हमारी सिस्टर है, उनके कोई रिलेशन में है जी, रिटायरमेंट आ रहे थे तो ये वहाँ भी जाने की बोल रहा था। लेकिन वहाँ से हमने पता किया तो वो ये कह रहे कि वहाँ पे तो ये पहुँचा नहीं, ठीक है। उसके बाद 6:20 तक इसकी बात हुई है हमारे जो सिस्टर के बटे हुए उनसे। उसके बाद 10:52 तक लास्ट तक इसकी बेल गई है। उसके बाद जी फोन जी स्विच ऑफ हो गया। फिर हमने रात मतलब जी रात को बच्चों ने ढूंढा है, सारे रोड वगैरह छाने हैं। सुबह हमने पुलिस में मतलब इसका फ़ोन वो डलवाया तो लोकेशन दिखाई यहाँ की, ये आपके डोकी गांव के आसपास की। तो सुबह हम 9 बजे के आसपास मैं, मेरा छोटा भाई, एक हम दो भाई और एक बुआ का लड़का, हम चारों गाड़ी लेके इधर से जा रहे थे तो स्कूटी यहाँ पे खड़ी थी। हम आगे निकल गए, फिर हमने स्कूटी वापस ली। मैंने कहा बस स्कूटी खड़ी है रोड के ऊपर, फिर स्कूटी वापस ली, फिर देखा स्कूटी हमारी थी। फिर हमने अचाना तो ये कुएं में ये हादसा हुआ। इनका अजय इनका एल्युमिनियम गिलास का काम था जी। तो अभी क्या लग रहा है ये, किस तरह से क्या हुआ? देखो जी अभी तो हम भी कुछ नहीं बता सकते जी, आगे मर्डर है या क्या है। आशंका किसी पे नहीं है? नहीं, आशंका हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।